घर घर का श्रृंगार प्रेम सनातन। नैमिषारण्य का एक और प्रखंड, एक और क्षेत्र नसीराबाद, बेहद बियाबान और खूंखार जंगल में हम आपको लेके आए हैं एक विलक्षण स्थान पर। नसीराबाद मूलतः सिधौली और सीतापुर में पड़ता है, लेकिन नैमिष का वह पावन क्षेत्र है जहां अनंत काल तक ऋषि मुनियों ने तप किया। द्वापर युग में जन्मे जय के सर्प यज्ञ से नाग वंश की रक्षा करने वाले महान ऋषि आस्तिक बाबा की तपस्थली वकुल देवी कल्प देवी की पावन भूमि, जहां आस्तिक बाबा ने अपनी माता मनसा देवी और पिता जरथरु के आशीष से असीम शक्तियां अर्जित की थी। आज हम आपको लिए चल रहे हैं एक बेहद रहस्यमयी और अलौकिक स्थान पर। नागवंशीय राजाओं का संबंध रहा है इस पूरे क्षेत्र से। कहते हैं कि द्वापर तक इस क्षेत्र में नागवंशीय राजा पदम का यहाँ राज हुआ करता था। नागवंशी राजा पदम यहाँ थे और उनके भाई नागवंशी कालिया, राजा कालिया ब्रज क्षेत्र में राज करते थे। चूंकि यहाँ आस्तिक मुनि का आश्रम होना अपने आप में बेहद रहस्यमयी है। एक ऐसा स्थान जहाँ ब्रह्म ऋषि से ब्रह्मदेव बनने की कथा है, एक ऐसा स्थान जहां से जुड़ा है नाग वंश का एक ऐसा इतिहास, एक ऐसा स्थान जहां एक अदृश्य कल्पा देवी देती हैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद। क्या यही है वो स्थान जहां आस्तिक मुनि ने तप करके राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ से नाग वंश की रक्षा की थी? नाग वंश के बारे में कहा जाता है कि मुनि कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी कुंद्रू से जो संतान उत्पन्न हुई थी वो नागवंशी थी, और उसी में तक्षक वासुकी जैसे नाग उन्हीं की संतान थी, और वही पीढ़ी चलती चलती पद्म नाग और कालिया नाग तक पहुंची। कहते महर्षि कश्यप को यह अच्छी सी जानकारी थी कि आने वाले समय में नागवंशियों पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा और ऐसी स्थिति आएगी कि नागवंशियों का अस्तित्व धरती से मिट जाएगा। इसीलिए नागवंश को बचाने के लिए महर्षि कश्यप ने अपनी पुत्री मनसा का विवाह उस समय के प्रख्यात ऋषि जरथरु से कर दिया था। महर्षि जरथरु और मनसा ये दोनों पत्नी थे और इन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए थे आस्तिक। कहते आस्तिक इतने बड़े ऋषि हुए कि वो त्रिकालदर्शी थे, और आप आश्चर्य करेंगे इस समय जिस जगह पर हम बैठे हैं ये वही स्थान है जहां मुनि आस्तिक ने तपस्या की थी, और यहीं से थोड़ी दूरी के ऊपर देवकाली स्थान पड़ता है जो जनपद वर्तमान में जनपद लखीमपुर में है। उसी देवकाली मंदिर में राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ करके सर्पों का संहार किया था, और कहते थे जब सर्पों का विनाश राजा जन्मेजय ने शुरू कर दिया तो इसी जगह से उठकर आस्तिक मुनि देवकाली गए थे और उन्होंने वचन लेकर के नाग वंश की रक्षा की थी। ये वही स्थान है जहां आस्तिक मुनि ने तप किया और नाग वंश को जीवन दान देकर के उसे बचाया। आज भी कहा जाता है कि अगर आपके घर में कोई सर्प निकल आए तो उसके सामने तीन बार आस्तिक 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 बोल दीजिए, सर्प आपका कुछ नहीं करेगा। कौन है माता कल्पा देवी, क्यों यहाँ घनघोर तप करके एक ब्रह्म ऋषि ब्रह्म बाबा के रूप में प्रकट हुए? 10वीं शताब्दी में कौन था वह राजा जिसने आस्तिक बाबा व कल्पा देवी के भव्य मंदिरों का निर्माण कराया था, और फिर क्यों मुगल आक्रांताओं ने इस भव्य मंदिर को ध्वस्त कर दिया था? और फिर एक दिन
मुगल आक्रांताओं के घोड़ों की टापों की आवाजें इस क्षेत्र में भी गूंजने लगी और एक के बाद एक विशाल मंदिरों को ध्वस्त करने लगी। गांव के लोग ये कहते हैं कि कल्पा देवी और आस्तिक मुनि के इस भव्य मंदिर को भी मुगल लाताताइयों ने तहस नहस कर दिया। एक एक मूर्तियों की तलवारों से काट डाला गया, लेकिन वह सनातन धर्म आज भी इस क्षेत्र के लोग उन टूटी हुई मूर्तियों को अपने सीने से लगाए बैठे हैं। ये सारी मूर्तियां ये वही हैं जो मुगल काल में ध्वस्त कर दी गई थी। तलवारों की धार से और घोड़ों की टापों से रौंद दिया गया था ये पूरा क्षेत्र, तहस नहस कर दिया गया कल्पा देवी और आस्तिक मुनि का विशाल मंदिर। ये टूटी मूर्तियां चीख चीख कर तबाही की कहानी बता रही हैं। किला को ध्वस्त किया, मंदिरों को गिराया और हवा चली गई। ये हमारे लिए बड़ा सोच का विषय था कि यहाँ इसका नाम नसीराबाद क्यों पड़ा, क्योंकि उस नदी के पास से शुरू होकर और ये जहाँ और पीछे चले जाए थोड़ा और इस पूरे सर्किल भर में मुसलमान है ही नहीं, फिर नसीराबाद और मुसलमानी नाम इस्माइलगंज। ये क्या इस्माइलगंज में सब ठाकुर लोग हैं, उसमें और जातियाँ भी हैं, मुसलमान नहीं। क्यों आज भी इस पूरे गांव में सांपों का डेरा है? यहाँ पर तो इतना सांप था, समझिए कदम रखे तो बिस्तर में है, कहीं फ्रिज के नीचे लेटा है, कहीं अलमारी में अंदर बैठा है, यूं करके खोलो फ्रिज के नीचे। लेकिन आप सोचिए कि किसी को कभी छुआ नहीं, चावल निकाल रही थी और सांप उनके पास यूं खड़ा और फुफकारता था, कानों सुन नहीं पाती थी। नहीं तो घरों में पलंग के नीचे एक हमारी भतीजी है देवर की, वो पूजा कर रही थी बगल में लेटा काला वाला, जब वो घंटी बजाई तब उसने करवट लिया। इतने हम कितना बता नहीं सकते, उधर से चला आ रहा है, यहाँ पानी लगे बैठा है। एक दिन यहाँ खाना बना रहे थे, देखा हाथ डालने चले वहाँ बैठा। हाँ, सांपों की बहुत अधिकता है और सबको मिलते रहते हैं बराबर, लेकिन काटा किसी को आज तक नहीं। ये नहीं समझ में आता कि वो सांप का अधिकार था यहाँ पर कि गर्म महीना आ गया था, आप रात में उठे पेशाब करने के लिए आपको सांप रेंगता मिलेगा। हमको उन्हें मालूम कितना हमको मिला। और क्यों और कैसे यहाँ मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है? लोगों की आस्था, विश्वास और श्रद्धा का एक अद्भुत अलौकिक और अकल्पनीय स्थान, जहाँ पहुँचते ही आपके घुंघटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा स्थान जिसके जमीन के अंदर न जाने कितने इतिहास दफन हैं, एक ऐसा स्थान जहाँ जगह जगह मिट्टी के ऐसे ढ्यू आपको दिखेंगे जिसके नीचे एक संस्कृत कुल बुला रही है, एक सभ्यता दबी हुई है इस जमीन के नीचे। तो वो टीले मात्र रह गए हैं, उन टीलों में अंदर क्या भरा है ये किसी ने नहीं देखा। तो कभी कभी निकला करते थे हलों के उससे लग के, अब तो ट्रैक्टर से निकल जाते, मूर्तियों के टुकड़े ये खाए उसी में किए हैं सब, तो वो उठा लेते थे यहाँ लोग। बहुत लखनऊ वाले आए उठा ले गए, उनके ड्राइंग रूम में रखे हैं बड़े बड़े, किसी ने चांदी के बर्तन रखा है तो किसी ने किसी रखा। गए 150 आदमी ले गए इसको यहाँ से। दुर्भाग्य से कहा जाएगा कि पुरातत्व विभाग ने इस स्थान को अपने कब्जे में तो ले लिया है, लेकिन आज तक यहाँ कुछ भी नहीं किया गया। हालांकि पुरातत्व विभाग इस पूरे स्थान को 10वीं शताब्दी का बताता है, उसके जो बोर्ड यहाँ लगे हैं वो ये दावा करता है कि यहाँ आस्तिक मुनि का जो मंदिर है वो 10वीं शताब्दी का है, कल्प देवी का आश्रम भी मंदिर 10वीं शताब्दी का है और इस स्थान को भी 10वीं शताब्दी को बताते हैं। यहाँ एक तरफ जहाँ आस्तिक मुनि का इतिहास जुड़ा है, वो आस्तिक मुनि जो
नागवंशी की रक्षा करने के लिए आए थे और यहीं पर उन्होंने तप करके राजा जनमेजय के यज्ञ से सर्प यानी नागों की रक्षा की थी। और वहीं दूसरी तरफ ये इतिहास आला उदल से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यही आला उदल ने वापस जाते समय एक कन्या से विवाह कर लिया था। और यही है राजा मांधाता, यहीं पर हैं नरोत्तम जिन्होंने सुदामा चरित्र लिखा, और यहीं पास में है च्यवन ऋषि का वो स्थान जहां राजा मांधाता के जन्म का इतिहास जुड़ा है। इतना पौराणिक और विचित्र है ये स्थान। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर स्थित नैमिषारण का है ये एक क्षेत्र नसीराबाद। मिश्रित सिधौली मार्ग पर स्थित नसीराबाद व उसके आसपास के क्षेत्र बेहद पौराणिक व रहस्यमयी हैं। जगह जगह रहस्यमयी टीले, टूटे हुए खंडहर, टूटे हुए भवनों के अवशेष, ऐसा लगता है जैसे कोई एक बड़ी संस्कृति, एक बड़ी सभ्यता यहाँ कभी रहती रही होगी। 10वीं शताब्दी के ये मंदिर बताए जाते हैं। एक रहस्यमयी खजाना है यहाँ नसीराबाद में ही। आस्तिक बाबा व कल्पा देवी के विशाल मंदिरों के भग्नावशेष खड़े हैं। हालांकि पुरातत्व विभाग ने इन मंदिरों को अपने संरक्षण में ले रखा है। जहाँ बोर्ड भी लगा है कि यह मंदिर 10वीं शताब्दी के आसपास के हैं, किंतु किस राजा ने बनवाया, कैसे बनवाया, क्यों बनवाया, कौन है कल्पा देवी, आस्तिक मुनि बाबा यहाँ कैसे आ गए, ये तमाम सवाल आज भी अनुत्तरित है। और उन्हीं की खोज में आज हम आपको लेके आए हैं नसीराबाद।